हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हमारा जो सेशन है ये अगेन कुछ वैज्ञानिक नामों को लेकर है, और इन वैज्ञानिक नामों में आज हम स्पेशली कैटेगराइज कर रहे हैं अनाजों को, सीरियल्स को, जो हम अपने दैनिक जीवन में डेली खाते हैं। ठीक है, तो आज हम खाद्यान्न फसलें, जो खाद्य प्लस अन्न, जो अनाज के रूप में हम खाते हैं, उन फसलों के वैज्ञानिक नाम और उनसे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें जो एग्जाम्स में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग के अंदर ही शेयर कर दीजिए, ज़्यादा लंबे चौड़े वीडियोस नहीं है, आप एंड तक वीडियो को देखें और इस वीडियो में आपको जानकारी का एक बंडल डोज मिलेगा, ऐसा मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आइए दोस्तों, वैज्ञानिक नामों को देखते हैं। सबसे पहला जो हम वैज्ञानिक नाम देख रहे हैं दोस्तों, ये देखेंगे गेहूं। गेहूं को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वीट हम लिखते हैं। और गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, ये आपका ट्रिटिकम एस्टिवम है। ट्रिटिकम एस्टिवम। एक चीज गेहूं के बारे में अभी बताऊंगा मैं आपको आगे चल के। गेहूं का वैज्ञानिक नाम आपके ट्रिटिकम एस्टिवम है। चावल को राइस बोलते हैं, तो इसके वैज्ञानिक नाम को याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, ओराइजा सेटाइवा। तो ओराइजा में राइस आ रहा है, ओराइजा सेटाइवा। यह आपका किसका नाम है दोस्तों? चावल का नाम है। जो आपका बाजरा है, बाजरे का जो वैज्ञानिक नाम है आपका, वो है आपका पेनिसिटम अमेरिकेनम। पेनिसिटम अमेरिकेनम। पहले पहले वैज्ञानिक नामों की बात करेंगे, ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। पेनिसिटम अमेरिकेनम, ये किसका है दोस्तों? बाजरा। इसके बाद मक्का। मक्का को भी आप इजीली पहचान लोगे, मक्के को इंग्लिश में मेज लिखते हैं और मक्के का वैज्ञानिक नाम है जिया मेज। ठीक है, तो आपको नाम में क्या मिल जाएगा दोस्तों? मेज मिल जाएगा। मक्के के बाद हम जौ, जौ को लिखते हैं बार्ले। ठीक है, और जौ का वैज्ञानिक नाम है आपका हॉर्डियम वल्गेरे। हॉर्डियम वल्गेरे। याद करने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन घूमते फिरते रिपीट करोगे तो सब याद आपको हो जाएगा। जौ के बाद आपका है जई, जिसको ओट्स बोलते हैं, जई। इसको बोला जाता है आपका अवेना सेटाइवा, अवेना सेटाइवा। ठीक है, तो दोस्तों ये अच्छा, एक और है ज्वार, ये आपको नीचे बोर्ड पर बिल्कुल दिख जाएगा। ज्वार को बोलते हैं सोरगम, और इसके नाम से भी, इंग्लिश के नाम से भी आपको इसका वैज्ञानिक नाम मिल जाएगा। इसको बोला जाता है सोरगम बाइकलर। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी खाद्यान्न फसलें हैं जिनको आप याद करोगे। गेहूं आपका हो गया ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, कुछ आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। चावल का ओराइजा सेटाइवा इजीली याद हो जाएगा। बाजरा पेनिसिटम अमेरिकेनम है। मक्के का जिया मेज, ये भी इजीली याद हो जाएगा। जौ का हॉडियम वल्गेरे। जई का आपका अवेना सेटाइवा। और ज्वार का सोरगम बाइकलर। बहुत इजीली आपको ये क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इनके बारे में, और फिर हम लोग कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हैं दोस्तों। कुछ अच्छी चीज़ें हम लोग इनसे रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए दोस्तों, गाइज, गेहूं के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, और वो जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को बोला जाता है ग्लूटिन प्रोटीन। ठीक है, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है बताइए? ग्लूटिन। देखिए बात करते हैं, गेहूं, गेहूं के अंदर अम्ल की अगर बात करोगे तो ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है, ग्लूटामिक एसिड। गेहूं के अंदर ग्लूटिन एक प्रोटीन है, और ग्लूटिन प्रोटीन की वजह से एक रोग आप देखोगे जिसको बोलते हैं सिलियक रोग। ग्लूटिन प्रोटीन की अधिकता से कौन सी डिजीज हो जाती है बताइए? सिलियक डिजीज आपके हो जाती है। गेहूं दोस्तों, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन थे बताइए? नॉर्मन ई वॉरलॉग। नॉर्मन ई वॉरलॉग अपने हरित क्रांति के जनक थे, और हरित क्रांति का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो किस पर पड़ा दोस्तों? गेहूं पर। याद रखिएगा, हरित क्रांति का सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर आया था? गेहूं के ऊपर ही आया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद जापान के कुछ वैज्ञानिकों ने चावल की एक किस्म विकसित की है, और किस्म के साथ हैजा का टीका इस किस्म के साथ आएगा। तो ये एक बड़ी खोज है कि किसी धान की किस्म के साथ किसी बीमारी का टीका आपका अटैच होकर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, चावल की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2004 का जो साल था उसको अंतर्राष्ट्रीय राइस ईयर घोषित किया था।
ठीक है, यानी सन 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया था दोस्तों, मनाया था। और चावल पर जो बाहरी परत होती है, और ये चावल की बात नहीं कर रही, जनरली जितने भी अनाज होते हैं उन पर बाहर एक परत होती है जिसे एल्यूरॉन परत कहते हैं। क्लियर? अच्छा, चावल अगर पॉलिश किया हुआ हो, चावल कैसा हो दोस्तों, पॉलिश किया हुआ हो या मशीन से कूटा हुआ हो, तो दोस्तों ऐसे चावल में विटामिन B1 की क्या हो जाती है, कमी। और विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो ऐसे लोगों को कौन सा रोग होता है बच्चों, बेरी बेरी। तो याद रखना क्या, कि चावल की अगर पॉलिश कर दोगे तो चावल में क्या हो जाएगा दोस्तों, चावल की छीलन पर विटामिन B1 पाया जाता है और विटामिन B1 की कमी हो जाएगी जिससे बेरी बेरी रोग हो जाएगा आपको। एक अपना चावल है बच्चों गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी द्वारा बनाया गया एक चावल है जिसके अंदर विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा कर दी गई है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस RAS जैसी एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों। वर्ल्ड का पहला सुपर फाइन, बहुत ज्यादा अच्छा सुपर फाइन बायोटेक राइस का नाम क्या है? विश्व का पहला सुपर फाइन बायोटेक राइस का नाम है दोस्तों सुगंध। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है सुगंध और इसको पूसा 1460 भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूसा 1460। तो दोस्तों गेहूं के अंदर ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। ग्लूटीन प्रोटीन सीलिएक रोग के लिए जिम्मेदार है। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा इफेक्ट गेहूं पर पड़ा। जापान में राइस का टीका बना है, हैजे के टीके के साथ, राइस की जो किस्म है उसके साथ आ रहा है। धान जो होते हैं उनकी बाहरी परत एल्यूरोन कहलाती है। चावल की पॉलिश कर दोगे, मशीन से कूट दोगे तो विटामिन B1 चला जाएगा। और साथ में गोल्डन राइस सुनहरा चावल के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? विटामिन ए आपका पाया जाता है। और भारत का पहला सुपर फाइन बायोटेक जो चावल था वो कौन सा था दोस्तों? आपका सुगंध है। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं इनके कुछ एक्स्ट्रा और जो हमारे पास अनाज है उनके बारे में दोस्तों। मक्के के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जीन प्रोटीन। मक्का का नाम क्या है? जिया मेज। तो मक्के के अंदर कौन सी प्रोटीन आपके है? मक्के के अंदर आपके जीन प्रोटीन मिलेगी। ठीक है, मक्का, मक्का के अंदर कौन सी प्रोटीन मिलेगी? जीन प्रोटीन। ज्वार दोस्तों, ज्वार के अंदर एक अम्ल पाया जाता है जब ज्वार का पौधा छोटा होता है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल। और ये हाइड्रोसाइनिक अम्ल जहरीला होता है, इसलिए जो पशु है वो ज्वार को प्रारंभिक अवस्था में नहीं खाते, ज्वार के पौधों को नहीं खाते हैं। तो ये भी याद रखना, ज्वार के अंदर SCN पाया जाता है, मक्के के अंदर आपके क्या पाई जाती है? जीन। बाजरे की बात करोगे तो दोस्तों बाजरा जो है सूखे के प्रति सबसे ज्यादा, सूखे के प्रति जो सहनशीलता है सबसे ज्यादा किसकी है दोस्तों? बाजरे की है। बाजरा वो वनस्पति है, बाजरा वो प्लांट है जो सबसे ज्यादा सूखा सहने की क्षमता अपने अंदर रखता है। क्लियर दोस्तों? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमारी खाद्यान्न फसलों से रिलेटेड थी जो मैंने एक आपको सुपर फास्ट स्पीड के अंदर एक रिवीजन, एक नया आपको एक छोटा सा सीरीज के थ्रू आपको ये सब चीज़ मैंने बताई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आगे और भी वीडियोज हम ऐसे लाते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।